भी 50 हो जाएंगे। चल गाइस हम जा रहे हैं, मैं गुन्नू को घुमाने जा रहा हूँ। ऑलवेज कैमरा रेडी रहता, भाभी बोलते चलो से भाई, चलो भाई गाय असलियत देखो, ये देखो, ये देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज आज डायरेक्ट फ्रेश होके आया और यहीं से स्टार्ट कर दिया मैंने ब्लॉग आज। और अभी मैं पहले ब्रेकफास्ट करूंगा, देन उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। एंड आज बहुत सारे काम है गाइज, जो मम्मा बोल रही है, मम्मा को बाहर जाना है तो मम्मा को मुझे ही ले जाना है। सो गाइज आज मम्मा बना रही है डोसा। मम्मा बोला एक एवड़ा दिनों ना, और ये चटनी है और ये सांभर है, और आफ्टर लॉन्ग टाइम मम्मा ने बनाया है। अच्छा ये वाला चार ना मुझे बहुत पसंद आया, सच में मजाक नहीं कर रहा गाइज। मैंने तो ख़त्म कर लिया फटाफट, बहुत भूखा था मैं सुबह से। मूँगफली चटनी है, ये बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे डोसा के साथ, ये भी पसंद है बट इसमें मज़ा ही आ जाता है अलग से। देखो एक बार ये ट्राई करके देखो, करो तो एक बार करो, खाओ। अरे भगवान ऐसे खा रहे हो, कैसा है? मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है मूँगफली की चटनी। सो गाइस ये देखो, ये मुझे ये ज़्यादा पसंद है मूँगफली का चटनी। मम्मा ने बनाया है बनाना शेक। बनाना शेक में आप देख सकते हैं हेल्दी फूड है, ड्राई फूड है, और हमेशा मॉर्निंग में मम्मा हमें ये देती है, बिकॉज ये ना बहुत हेल्दी भी है और कहते हैं बादाम खाने से ना मेमोरी स्ट्रांग होती है। और ड्राई फ्रूट में थोड़ा डाल लेता हूँ ऐसे। और गाइस ये हनी है बराबर में जो रखा है ना, हनी है। खुल जा सिमसिम, खुल जा। ये देखो ड्राई फ्रूट गाइस, इसमें कुछ डाल देता हूँ। अब और हेल्दी हो जाएगा। चलो मम्मा, चलो बनो, लेट्स गो। पानी की बोतल ले लिया मैंने। सो गाइज आज बुनू और मैं और मम्मा जा रहे हैं, धूप निकली पड़ी है। और ये देख लो, और ये गाइज जो सामने है ना, ये है गवर्नमेंट स्कूल है हमारे यहाँ पे। और आई डोंट नो, ये तो पार्क बना देना चाहिए इन लोगों को ना, यहाँ पे पार्क बनेगा, क्रिकेट खेलने को तो मिलेगा अब। और वहाँ पे मम्मा मम्मा आने वाली है। क्या बताओ गाइज, मतलब हम लोगों ने एक दिन पहले इतनी अच्छी तरह साफ करा था, आज बिल्कुल वैसी, उससे भी ज्यादा गंदी भी पड़ी। शैशु क्या कर लियो आप, क्या कर लियो बच्चा, सो ले हो? सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। आमा गई छोड़ के आपको? गाइज देखो शैशु कैसे सोता, गोल बना के अपने आप को, पहले ऐसे नहीं सोता था मेरे बच्चा। सो जा, सो जा, ऐसे करने से गाइस सोने लग जाता है, इसको नींद आने लग जाती है। सो गाइस आज हम जा रहे हैं, अब बुनू और मैं। बुनू हेलमेट ले लिया? हाँ चलो चलो लेट्स गो। अच्छा मेरा फोन तो ले लूँ मैं। चल गाइस हम जा रहे हैं, मैं बुनू को घुमाने जा रहा हूँ। ऑलवेज कैमरा रेडी रहता, भाभी बोलते चलो से भाई, चलो भाई गाय असलियत देखो, ये देखो, ये देखो। बस चलो, असलियत क्या है बे? चेहरे का असलियत। अभी भी हैंडसम लग रहा है गाइस, कमेंट बिलो, एम आई लुकिंग हैंडसम और नॉट? कमेंट बिलो कह रहा है, कमेंट डाउन बिलो। यार आप लोगों ने मेरे को बहुत सम्मान दिया, प्यार दिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू। फ्यू मोमेंट्स लेटर आई वे सेक्टर 18, और वो जो सामने देखा है वो है आपका गुरुद्वारा, और ये है वेव सिनेमा मॉल, और वो आपका है डीएलएफ मॉल, वो आपका दिख रहा सामने डीएलएफ मॉल। और इस साइड में, लेफ्ट साइड में है आपका गार्डनिया गैलेरिया, और ये जो आपका ग्रेट इंडिया प्लेस, ये बहुत पुराना मॉल है सेक्टर 18। तो इसके बाद हम प्लान कर रहे हैं, हम सोच रहे अक्षरधाम की साइड जाए। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। हम इसके बाद अक्षरधाम निकलेंगे और छोटी मोटी पिकनिक कर रहे हैं हम।
हम आए हुए जहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना, और उसी के साइड आए हुए, और यहाँ पे बिल्कुल खाली खाली एरिया आप देख सकते हो पीछे के साइड, और एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मुन्नू को मैं घुमाना चाह रहा था, बट यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ गाइस। मुझे ये जगह ना काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी पीसफुल जगह है। यहाँ पे कार वार भी इतनी ज़्यादा दिख नहीं रही है, और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है, और बढ़िया लग रहा है। इसी वजह से मैं सोचा चलो एक बार नया ट्राई करते हैं, नया रूट में घूमते, और यहाँ से सीधा जाके यू टर्न करके सीधा जाओ तो नोएडा पहुँच जाते हैं। अक्षरधाम के पास है, और ये पीछे दिख रहा अक्षरधाम है, ये अक्षरधाम मंदिर है। ये बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, और मैंने ब्रू को प्रॉमिस कर रखा था कि मैं उसे यहाँ घुमाने लेने आऊँगा। और यहाँ आवाज़ बहुत तेज बोलना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ ना ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, सीधा जाओगे ना, ना इधर ना उधर, सीधा उत्तराखंड पहुँच जाते हैं यहाँ से। और ब्रू कैसा लग रहा है? और पीछे आप देख सकते हो टेम्पल। और गाइज हम स्कूटी में आए, स्कूटी मुझे बहुत कंफर्ट रखता है, इसी वजह से मैं स्कूटी में आता हूँ हमेशा, बाइक के अकॉर्डिंग मुझे और खुले में ज़्यादा पसंद है। और ये देखो आप रूट, ये चलता रोड है, कम से कम ये ना गाइज आई थिंक 5 या 6 लाइन है, बहुत लंबा, 1 2 3 4 ऐसे करके, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत लंबा है। और देखो गाइज रात के टाइम दिल्ली कैसे हो जाती है, देखो लाइट ही लाइट जल रही है, देख रहे हो। मजा आयो चलो गाइज, ये आप कमेंट करके बताना एग्जैक्टली कौन सा कीड़ा है, मुझे तो नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा कीड़ा है, सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। कलर चेंज हो गया ना, कभी ब्लू, ओए यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइज कल रात को मैं ब्लॉग खत्म करना भूल गया था, तो अब मैं सुबह ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। कल काफी रात हो गया था, मम्मा बहुत डांट रही थी, और हम घूमने निकले थे 18, फिर 18 से धीरे 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 हम दिल्ली में एंट्री करें, दिल्ली से एंट्री करते हैं, फिर हम अक्षरधाम की साइड गए। और मैं सोच रहा जब तक बनू है तब तक मैं उसे पूरा एक्सप्लोर करा दूं, सो हो सकता कल भी घुमाऊं उसे। सो मज़ा बहुत आया गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज रात के टाइम ना बहुत अच्छा हो जाता है, दिल्ली लाइटिंग जो है ना बहुत बढ़िया हो जाती है। और अक्षरधाम के जो बैक साइड गए वो वाला एरिया भी बहुत अच्छा है गाइस, उसे कॉमनवेल्थ गेम्स अपार्टमेंट की साइड ही था, वहाँ पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी था, और वहाँ पे काफ़ी ऐसा पीसफुल जगह था गाइज। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं गाइज जाके जरूर बेल आइकन दबाइए, हिट द बेल आइकन। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू डे, टाटा बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।